हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो चलिए आज हम एक हाईवे पे तो अपनी वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले लगाते लेते हैं सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट लगाने के बाद अपनी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, और ये एक जो बोलते हैं हाईवे सा ही टाइप का जो रोड है उस पर मैं आया हुआ हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए पावर ड्राइव की। तो अपनी गाड़ी में आपको पता ही है कि जो ऊपर की साइड जो वो होते हैं बुश, उनमें दिक्कत आ गई। तो देखो हमारी गाड़ी स्टेबल होके नहीं चल रही, कोई दिक्कत नहीं, जाके एजेंसी में उनसे बात करेंगे। तो ऐसे रोडों पे या ऐसे हाईवे पे आपको बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ता है, और कंट्रोल्स को एडजस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ता है सिस्टम को, क्योंकि ये जो आप देख सकते सिंगल बोलो या टू लाइन का बोलो, एक आने का एक जाने का जो हाईवे है, ये है तो स्टेट हाईवे ही। तो आज हम बना रहे हैं अपनी स्टेट हाईवे पे अपनी गाड़ी की वीडियो। ये देखो हमारी गाड़ी किस तरफ ज़्यादा मूव कर रही है, पता नहीं यार गाड़ी में ये वॉइस कैसी आ रही है, जो आपको भी सुनाई पड़ रहा होगा कुछ अलग सी एक वॉइस आ रही है। आई डोंट नो क्या करें यार, महिंद्रा की बुलोरो से ये उम्मीद नहीं थी, पता नहीं क्या सिस्टम हो गया या हमारी गाड़ी में ये जो दिक्कत है वो। देखो ये देखो, ये तो चलो अलाइनमेंट के कारण हो रहा है, बाकी अलाइनमेंट तो इसका बिल्कुल ओके है, जो हमारा बुश है उसके कारण हमारी गाड़ी में जो ये प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, अपनी महिंद्रा अथॉरिटी सर्विस सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर अपनी गाड़ी को चेक कराएंगे, वहीं पर हमारी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि हमारी गाड़ी अभी वारंटी में है, सिर्फ 26,157 किलोमीटर चली है, कोई ज़्यादा हमारी गाड़ी चली नहीं है, 1,00,000 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी की गारंटी है। तो टेंशन फ्री होके अपने काम को करवाएंगे। ये देखो ये बिल्कुल क्रो मोड है, इन पे तो चाहिए स्किल, भैया स्किल स्किल इम्पोर्टेंट है। ये देखो भाई साहब, फ्रंट गाड़ी वाला अपने साइड मिरर को क्लोज करके गाड़ी चला रहे हैं, कैसी कैसी है ड्राइवर है, इनको लाइसेंस कौन दे देता है, आई डोंट नो। तो करते हैं इसको ओवरटेक करने की कोशिश, ओवरटेक करेंगे इसको, ओवरटेक तो चुटकी होगा माल अपनी बोलोरो को, रश ड्राइविंग करते हैं हम। देखो ये देखो, तुरंत से हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं, वो भी फोर्थ गियर में। देखो गाइस फोर्थ गियर, हमारा फोर्थ गियर में हमने इसको ओवरटेक कर दिया, क्या करेगी स्विफ्ट, मारुति तो आखिर मारुति है, पिप्पा टीन का डब्बा है, वो टीन का डब्बा, इसलिए महिंद्रा, महिंद्रा इज महिंद्रा। सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ अब आपको काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा कैमरे में। ये देखिए भाई साहब जेसीबी, तो ऐसे रोडों पे आपको बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ता है गाइस, यहाँ पर स्किल मैटर करता है। ये है हाईवे, क्योंकि तो ज़्यादा एक्सप्रेस वे तो है नहीं, कभी एक्सप्रेस वे पे जाने का मौका मिलेगा तो आपको वहाँ की भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। और अपनी गाड़ी चल रही है अभी 85 की स्पीड पे इन रोडों पे, लाजवाब, सस्पेंस हमारा आउट हो चुका है, आई डोंट नो क्या सीन है क्या नहीं, 25,000 किलोमीटर में हमारा सस्पेंस डाउन हो गया, तो महिंद्रा क्या सिस्टम है ये, कैसे काम चलेगा। बुलोरो को एक रफ एक्सवी के लिए जाना जाता है, ये देखो गाइस, तो रफ एक्सवी के लिए महिंद्रा को जाना जाता है। हो सकता है हमारी गाड़ी काफ़ी दिन से लोट में खड़ी हो तब भी ये प्रॉब्लम आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम तो आ जाती है, जो बुश होते हैं वो रबड़ के ही होते हैं, हो सकता है वो खड़े रहने के कारण, ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहने के कारण वो सूख गए हों, तब ये कोई जो प्रॉब्लम आ गई हो, कि हमारी रोड हैं वो तो डैमेज हैं ही, शायद टूट सूख के वो ख़राब हो गई, या हमारी गाड़ी जो रफ रोडों पे चल चल के उसमें ये थोड़ी शिकायत आ गई, पता नहीं है। देखो गाइस अभी आ गए हैं,
थोड़ी घुमावदार रोड, इन पे काफ़ी अगर इश्यू होके गाड़ी को ड्राइव करना पड़ता है। देखो काफ़ी खड़े जो हैं मोड़ हैं यहाँ पर, अपनी गाड़ी तो पूरी ही एक साइड को अपना बैलेंस कर लेती है, गाड़ी झुकाव ले देती है, कभी इस तरफ मोड़ेंगे तो इस तरफ झुकाव हो जाएगा। देखो भाई साहब फॉर्चुनर है, महिंद्रा बुलोरो है। ये देखो गाइस प्रो ड्राइवर तुम्हारा भाई। महिंद्रा में जाएंगे कल या परसों, फिर वहां पर अपनी गाड़ी की करेंगे डिटेल्स को मेंशन उनके आगे, फिर देखते हैं क्या महिंद्रा हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करती है या हमसे चार्ज लेती है, क्योंकि हमारी गारंटी में है गाड़ी अभी तक। ये देखिए गाइस ये ड्राइविंग स्किल, हिल्स पे आपकी ड्राइविंग स्किल मैटर करती है, और आप अपनी जो गाड़ी को है वो खुल के ड्राइव करेंगे, अगर डर के गाड़ी चलाएंगे तो वो कभी आप प्रो ड्राइवर नहीं बन सकते, रश ड्राइवर कभी नहीं बन सकते आप। देखिए भाई हटा लो बोलोरो है।